पर्थ टेस्ट में रोहित नहीं तो उनकी जगह कौन? कोच गंभीर ने किया खुलासा। नमस्कार, मैं हूं शिवानी चकदे, क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आगामी 22 नवंबर से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। इस सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला जाएगा। भारत की टेस्ट टीम का पहला हिस्सा 10 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना हो चुका है, जबकि बाकी खिलाड़ी 11 नवंबर को रवाना हुए। इसी बीच टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम सवालों का जवाब दिया, खासकर कप्तान रोहित शर्मा के पहले टेस्ट मैच में उपलब्ध न होने की स्थिति में कप्तानी के बारे में। कई रिपोर्ट्स के अनुसार कप्तान रोहित शर्मा व्यक्तिगत कारणों की वजह से पहले टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। हालांकि गौतम गंभीर ने इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि यदि रोहित शर्मा पहले टेस्ट में नहीं खेलते हैं तो उनकी कप्तानी की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह को सौंपी जाएगी। गंभीर ने कहा, अगर रोहित पहले टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनकी जगह केएल राहुल और अभिमन्यु ईश्वरन जैसे खिलाड़ी टीम में उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन कप्तानी का जिम्मा जसप्रीत बुमराह को सौंपा जाएगा। बुमराह की कप्तानी में भारतीय टीम का नेतृत्व करना एक नया और चुनौतीपूर्ण कदम होगा, क्योंकि बुमराह को पहली बार टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी का मौका मिल सकता है। गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केएल राहुल की क्षमता को लेकर भी अपनी राय साझा की। उन्होंने कहा, केएल राहुल किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, चाहे वह नंबर 3 हो या नंबर 6। उनकी बल्लेबाजी में कई तरह की प्रतिभाएं हैं जो उन्हें भारतीय टीम के लिए बेहद उपयोगी बनाती है। वह वनडे क्रिकेट में भी खेलते हैं और उनकी लचीलापन टीम के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। अगर रोहित शर्मा अब पहले टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं तो केएल राहुल एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। गंभीर ने केएल राहुल की भूमिका को लेकर कहा कि आप सोचिए कि ऐसे कितने खिलाड़ी होंगे जो टीम के लिए कई पोजिशंस पर खेल सके और प्रदर्शन कर सके। केएल राहुल के पास यही क्षमता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में रोहित शर्मा की उपलब्धता पर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि गौतम गंभीर ने यह साफ कर दिया है कि यदि रोहित नहीं खेलते हैं तो जसप्रीत बुमराह को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके अलावा केएल राहुल को भी किसी अन्य पोजिशन पर बल्लेबाजी करने का विकल्प दिया जा सकता है। यह सीरीज भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित होगी और टीम इंडिया का प्रदर्शन किसी बदलाव के बावजूद महत्वपूर्ण होगा। आपको क्या लगता है, रोहित की जगह बुमराह नेतृत्व करने में सक्षम होंगे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।